विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब हरियाणा को नई सरकार मिलने जा रही है। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसके लिए मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जानकारी के मुताबिक इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है और राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस के नेता जलेबी बनाने के लिए फैक्ट्री की जगह तलाश रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जलेबी बना के चले गए और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है ना वो फैक्ट्रियों लगाने के लिए जगह ढूंढते घूम रहे हैं। अभी वो फैक्ट्रियां लगेंगी और राहुल गांधी को ये बताया ही नहीं था। उसने तो डिब्बा ऐसा देख लिया जलेबी का, अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनता होगा, उसको ये नहीं पता था कि ये हलवाई, साधारण से हलवाई जो हरियाणा प्रदेश, हमारे हरियाणा प्रदेश में तो हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी जलेबी बना के खाने का एक रिवाज है हरियाणा में। ये जो जलेबी का रस है ना, ये हरियाणा की जनता को रास आता है, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया। बता दें कि चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गोहाना के जलेबी की जमकर तारीफ की थी और इसे किसी बड़ी फैक्ट्री में तैयार करने की बात कही थी, जिस पर अब बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब हरियाणा को नई सरकार मिलने जा रही है। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसके लिए मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जानकारी के मुताबिक इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है और राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस के नेता जलेबी बनाने के लिए फैक्ट्री की जगह तलाश रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जलेबी बना के चले गए और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है ना वो फैक्ट्रियों लगाने के लिए जगह ढूंढते घूम रहे हैं। अभी वो फैक्ट्रियां लगेंगी और राहुल गांधी को ये बताया ही नहीं था। उसने तो डिब्बा ऐसा देख लिया जलेबी का, अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनता होगा, उसको ये नहीं पता था कि ये हलवाई, साधारण से हलवाई जो हरियाणा प्रदेश, हमारे हरियाणा प्रदेश में तो हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी जलेबी बना के खाने का एक रिवाज है हरियाणा में। ये जो जलेबी का रस है ना, ये हरियाणा की जनता को रास आता है, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया। बता दें कि चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गोहाना के जलेबी की जमकर तारीफ की थी और इसे किसी बड़ी फैक्ट्री में तैयार करने की बात कही थी, जिस पर अब बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।